कहते हैं कोई भी प्राणी विधि के विधान को कतई नहीं टाल सकता। रामायण में भी वशिष्ठ जी समझाते हैं भरत को, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। पर मनुष्य की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यही है कि वह परिस्थिति बस विधि के विधान बस उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसे लेकर के वह परेशान रहता है, वह भगवान पर भरोसा नहीं करता। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि न टलने वाली नृत्य से अधिक भयभीत रहता है, जो टाली नहीं जा सकती उसके लिए ज्यादा प्रयत्न करता है। अब इसका प्रयास चाहे देवता करें, चाहे असुर करें, चाहे मानव करें, चाहे कोई भी प्राणी करे, ये विधि का जो विधान होता है उसे कोई भी नहीं टाल पाता। और जिसके साथ जो घटना जहाँ घटित होनी होती है वहाँ अवश्य ही घटकर रहती है, चाहे उसमें कितनी ही सामर्थ्य लगा दी जाए पर उस पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि विधि का जो विधान होता है वह अटल होता है, निश्चित होता है, और जिसको जहाँ पर जो घटना घटी होती है वहाँ ले जाकर ही वह घटना घटती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, आइए हम कहानी पर चलें। एक बार की बात है, यमराज के दरबार में सारे देवताओं की सभा बुलाई गई थी, सारे देवता उस सभा में भाग लेने के लिए क्रमशः आ रहे थे। यमराज अपने आसन पर विराजमान थे, सामने एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था, उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसकी निगाह यमराज पर थी और यमराज की निगाह जब कबूतर पर पड़ी तो वे बड़े जोर से हंस पड़े, और जब कबूतर ने देखा कि यमराज मुझे देख करके हंस रहे हैं तो वह डर गया, आखिर मृत्यु के देवता हैं, यमराज किसी को देख करके हंस दें तो जरूर कोई रहस्य कोई राज उसमें जरूर होगा। अब तो कबूतर वहां बैठे बैठे बहुत ही चिंतित हो गया, उसका चेहरा ही उतर गया, बहुत घबरा गया कि आखिर यमराज मुझे देखकर क्यों हंसे, मेरे साथ क्या घटना होने वाली है। इन सारी दुश्चिंताओं से वह परेशान था। अचानक गरुण जी आए, आप पक्षियों के राजा हैं गरुण जी, उनकी निगाह कबूतर पर जब पड़ी तो दरबार में जाने से पहले कबूतर से पूछा, हालचाल बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है। उस कबूतर ने बताया, और तो कोई तकलीफ नहीं, मुझे अभी मृत्यु के देवता यमराज देख करके बहुत जोर से खिलखिला कर हंस पड़े, इससे मैं बहुत ही भयभीत हो गया हूं। अब गरुण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना दूर पहुंचा देता हूं यहां से कि यमराज की पहुंच वहां तक होगी ही नहीं। अब भगवान के वाहन गरुण जी अपने पीठ पर उस कबूतर को बैठाया और क्षण भर में सात समुंदर पार एक बहुत ही गहन गुफा में ले जा करके उस कबूतर को बैठा दिया और एक बहुत बड़ा पत्थर की
देखो आप कहां से आ रहे हो ये बताइए पहले। उन्होंने बताया मैं एक बहुत ही डरा हुआ कबूतर था, उसकी रक्षा के लिए उसको पहुंचा करके आया हूं एक ऐसे स्थान पर जहां कोई नहीं पहुंच सकता। यमराज बोले इसलिए तुम्हें ये हंसी आ गई थी उस कबूतर को देखकर कि इसकी मृत्यु 15 मिनट के अंदर 7 समुंदर पार एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर बिल्ली के तोड़ देने से मार डालने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब मैंने कबूतर को देखा तो मुझे हंसी इसीलिए आ गई, ये विधि का विधान भी कितना विचित्र होता है, ये कबूतर यहाँ है और समय भी बहुत कम है, तो जो 7 समंदर पार ये उड़ते उड़ते कैसे पहुंच पाएगा, वहाँ कैसे जाएगा, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन धन्य हो आप, विधि का विधान आपने पूरा कर दिया। हम गरुण जी को बड़ी चिंता हुई, गरुण जी वहां से उड़े और जाकर के पत्थर को हटाया, पत्थर हटा करके गुफा में प्रवेश किया और जाकर के देखा तो सचमुच उस कबूतर के पैर पर छेद उड़ चुके थे, उसके डंक पंख चारों तरफ बिखरे पड़े थे और देखा किसी जंगली जानवर ने उसे तोड़ डाला था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गरुण भी आए वापस और यमराज के पास बैठ गए और सारी बात होती रही। यमराज ने बताया कि देखो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता भगवान ने जो नियम बनाया है वो हर प्राणी पर लागू होते हैं और मैं भी अपना कर्तव्य उन्हीं के अनुसार सदैव करने की कोशिश करता हूँ और वैसा ही करने के लिए मैं विवश हूँ, उसमें कोई फेर बदल कोई कर ही नहीं सकता। वह चाहे आप जैसे शक्तिशाली गरुड़ महाराज हो, चाहे कोई महान देवता हो, चाहे मनुष्य हो, तो होने जिसके साथ जो होना होता है वो होके रहती है, इसमें कोई